हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं के ई सी एल किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड मेरे पास कुछ कमेंट पड़े हुए थे मतलब आ, नीचे तो हमने यहाँ पर देखा उनमें से के ई सी एल एक स्टॉक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो इसी से रिलेटेड आज बातें करते हैं ठीक है जानते हैं कंपनी क्या कर रही है कैसे कर रही है क्या होता हुआ नजर आएगा क्या लेना है क्या बेचना है उन सभी चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो मिलते रहे बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं और वीडियो में इस आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना चीज़ों को सीखने पर ध्यान देना और सीखने के लिए आपके लिए यहाँ पर वीडियोज बनाई गई है जाके वीडियोस को देखिए सीखिए आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी एज वेल एज अगर किसी को बारीकियाँ सीखनी है तो हमारा ये कोर्स है जो कि हम बीस हजार रुपए में ऑफर कर रहे हैं और एक तारीख से ये कोर्स पच्चीस हज़ार रुपये का होने वाला डबल एट सिक्स जीरो फाइव फोर जीरो फाइव जीरो वन एट वन सिक्स नाइन टू सिक्स वन जीरो थ्री सेवन दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल क्यों क्या कैसे किस लिए का जवाब दिया जाता है क्यों शेयर भागता है क्यों शेयर गिरता है कब लेना चाहिए कौन सा लेना चाहिए किस लिए लेना चाहिए वो सारे आंसर हम मिल हम देते हुए नजर आएंगे थ्री मंथ्स की एंड होल्डिंग स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट सब कुछ हम आपको देते हुए नजर आएंगे एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड रेश तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस कोर्स में जब तो आप ज्वाइन करेंगे इससे रिलेटेड पूछताछ करेंगे इंक्वायरी करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बताते हुए नजर आएंगे और किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है दो चार लाख पाँच लाख पचास लाख एक करोड़ तो हमारे साथ काम कर सकता है और छोटा पोर्टफोलियो है भी तो भी यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो साथ में मिलकर हम यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है के ई क्या के ई से रिलेटेड हमने पहले वीडियो बनाई है तो एक बार हम देख लेते हैं तो के ई हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं तो आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेवेंटी वन रुपीज़ पर ठीक है दस महीने पहले वीडियो बनाई थी ठीक है और अभी की बात करें तो शेयर कितना चल रहा है एक दस, कितने पर जाके आया वन तो जहाँ से हमने बताया था ठीक है आप यहाँ पर देखेंगे सेवेंटी वन से वन फोर्टी तक जाके आया है तो लगभग आपके पैसे यहाँ पर डबल हो चुके हैं दस महीने के अंदर अंदर और बहुत पहले ही डबल हो चुके हैं ठीक है इसके अलावा दो महीने पहले भी यहाँ पर वीडियो बनाया था सौ सौ हंड्रेड रुपीज़ स्टॉक बच के रहना ठीक है तो यहाँ पर सब चीज़ आपको इन्फॉर्म दिया था और उसके बाद भी शेयर भागा था ठीक है सेवेंटी वन वाला एक सौ तीन पहुँचा सात महीने पहले दोबारा बताया था ठीक है ना यहाँ पर बीस परसेंट की जबरदस्त तेजी ये भी आपको बताया था तो बार बार आपको यहाँ पर शेयर बताते रहते हैं तो आज अगेन इससे रिलेटेड वीडियो बनाई गई जा रही है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कंपनी करती क्या है तो सबसे पहले बात हमारे चैनल का नाम है आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर मतलब हम स्मॉल कैप में डील करते हैं तो ये शेयर की मार्केट कैप है सात सौ तो ये माइक्रो कैप है स्मॉल कैप जो आपको कहना है वो आप कह सकते हैं वैसे माइक्रो कैप है सात करोड़ रुपए का मार्केट कैप है ठीक है तो छोटी कंपनी है और जब मैं छोटी कंपनी की बात करूं तो याद रखिएगा रिस्क को ध्यान में रखना जब शेयर भाग रहा है डाउट अच्छा खासा भाग नहीं है, करता क्या है? तो यहां पर आप देखेंगे 1946 में, ठीक है ना आजादी से भी पहले अगर आप देखोगे कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था इन एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी दैट प्रोड्यूस एसी मोटर डीसी मोटर ट्रांसफॉर्मर स्विच केयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट कैटर द सेक्टर लाइक अगर बात करें पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी शुगर स्टील सीमेंट एंडलाइड इंडस्ट्री तो यहाँ पर हर मोस्टली हर डिफरेंट डाइवर्सिफाइड कंपनीज को यहाँ पर ही यह कैटर करता हुआ नजर आता है और सारे ही सेक्टर चलते हुए नज़र आ रहे हैं इस चीज़ को आपको यहाँ पर भूलना नहीं है कंपनी अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इक्वमेंट से कैपिटल गुड से रिलेटेड कंपनी है बट अच्छी कंपनी है और यहाँ पर आप जानना चाहते हैं तो एक बंद के बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिए ठीक है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पोर्ट पढ़ लीजिए कंपनी किस में काम करती है किस तरीके से कहाँ पर से रिपेन्यूजा अच्छा आता है वो एज वेल एज कंपनी के क्लाइंट कौन है वो भी आपको दिखाई देंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजर हाउस इंक्लूडिंग टाटा रिलायंस आदित्य बिल्ला ग्रुप जिंदल जी ग्रुप एसर महिंद्रा महिंद्रा आल्सो लीडिंग पी लाइक भेल एनटीपीसी टी न्यू न्यूक्लियर पावर एनएचपीसी बीपीसी एनएचपीसीएल आईओसी बी है ना तो यहां पर देखिए मोस्टली सभी कंपनी के साथ ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है फैक्ट्रीज़ की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है ये कंपनी का दबदबा यहाँ पर साउथ में ज़्यादा है ठीक है इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं अब बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड और भी चीज़ें जाननी है तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए ठीक है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये सारी आ, सेक्टर को कंपनी क्या करती हुई नजर आती है कैटर करती हुई नजर आती है यहाँ इन सभी के लिए यहाँ पर क्या बनाती हुई नजर आती है प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं ठीक है उनके लिए मोटर्स बनाती है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाती है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मोटर एसी जनरेटर डीसी मोटर डीजी सेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच गेट ट्रांजेक्शन ये सारे के सारे प्रोडक्ट है ठीक है जाके एक बार आप देख सकते हैं बात करें और चीज़ों की तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंडस्ट्री का पी थर्टी फोर का है सॉरी इस इंडस्ट्री का फोर्टी टू का है इसका थर्टी फोर का तो सस्ता नजर आएगा ठीक है दूसरी बात पी एक्सपेंशन भी हो सकता है इसमें भी कोई दोहराई नहीं है यहाँ पर देखिए आर ओ सी आर ओ ही ठीक ठाक नज़र आता है ठीक है तो आर ओ सी आर ओ ही को ज़्यादा ध्यान नहीं देना जब चल रहा है तब चल रहा है जब नहीं चल रहा है तब नहीं चल रहा है इस तरीके से आर ओ सी आर ओ ही का यहाँ पर चलता है सेम एज इट इज़ पी का भी कन्वेक्शन ऐसे ही है तो हम यहाँ पर बात करें तो पी और इन सभी चीजों के बेसिस पर कभी काम करना ही नहीं चाहिए ठीक है दस की फेस वैल्यू है आगे चल के स्प्लिट भी मिल सकता है वन फोर्टी वन का यहाँ पर हाई लगा है एक सौ दस पर शेयर चल रहा है ठीक है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको बता ही चुका हूँ इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी यहाँ पर आप देखिए कंपनी अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रही है सेल्स देखोगे तो वन करोड़ रुपीज़ की इस बार की भी सेल्स थी एज वेल एज यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे वो भी यहाँ पर बारह करोड़ के आसपास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे यहाँ एट परसेंट के आसपास है और यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे पाँच करोड़ के आसपास है तो ईयरली बेस पे ये थोड़ा सा कम नज़र आता है बट अगला क्वार्टर शायद इनके लिए अच्छा हो सकता है ठीक है और आने वाले क्वार्टर भी अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये कंपनी उस केसेज में निकलती हुई दिखाई दे सकती है पहली बात दूसरी बात कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ तक गिरा था फिर उसके बाद यहाँ से उठना शुरू हुआ और अभी अच्छा खासा परफॉर्मेंस धीरे धीरे देना शुरू कर दिया है कंपनी ने ठीक है नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव आना शुरू हो गया है रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास तैतीस करोड़ के रिजर्व्स है जहाँ कंपनी बीच में घाटे में थी अभी धीरे धीरे रिजर्व बढ़ रहे हैं ठीक है यहाँ पर देखिए बोरिंग साथ साथ बोरिंग भी देखोगे जो 300 करोड़ के आसपास पास बोरिंग थी वो भी कम हो रही है इस चीज का फायदा क्या मिलेगा इस चीज़ का फायदा ये मिलेगा कि कंपनी जो यहाँ पर पहले पचास पचास करोड़ के यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही थी अब धीरे धीरे करके बीस इक्कीस चौबीस करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रही है जिससे इनकी रेवेन्यूज में इफ़ेक्ट आता हुआ दिखाई देगा इनके प्रॉफिट में इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा जो कंपनी के लिए अच्छा होगा ठीक है और जब कंपनी इस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस करती है तो शेयर प्राइस भी अप्रिशिएट होते हुए नजर आते हैं रिजर्वस की बात करें ठीक है जो मैं आपको बता चुका हूँ वर्किंग प्रोग्रेस में वन करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पर लगभग दो करोड़ रुपए और कंपनी का करोड़ रुपए का कैश भी बढ़ा हुआ है यहां पर और चीजों की यहां पर देखें तो अभी तक कंपनी ने यहां पर डिविडेंड नहीं दिया पॉजिटिव कैश फ्लो यहां पर नजर आता है ठीक है एज वेल एज यहाँ देखेंगे तो प्रोमोटर्स इट इज पॉइंट की होल्डिंग लेके बैठे हुए तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रोमोटर्स बेचना नहीं चाहते अपने शेयर्स अलावा एफ आई एस की बात करें यहाँ से एफ ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू करी है एक साल में यहाँ पर देखेंगे ठीक ठाक होल्डिंग है लगभग चार परसेंट डी की बात करें तो डीआईस भी आप यहाँ पर देखते हुए नजर आओगे कि डी के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है वन से 2.25 परसेंट और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी यहाँ पर डी आई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है जो कि क्या है पॉजिटिव सेक्टर है पॉजिटिव चीज़ है ठीक है और एल भी इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके रखी हुई है पब्लिक की बात कर रहे हो पब्लिक का फोर्टी फोर के शेयर है ठीक है और यहाँ पर हम देखें और चीजें तो आपको पता चलेगा बल्क डील बाइंग सेलिंग यहाँ पर होती रहती है यहाँ पर आप देखिए कोई ना कोई सेल करता रहता है कोई ना कोई बाई करता रहता है ये अक्टूबर में का डेटा है ये आप देखेंगे ठीक है ना आपको यहाँ पर सब पता चल जाएगी कि कौन बाई कर रहा है कौन सेल कर रहा है और ट्रेडिंग हो रही है मोस्टली ठीक है यहाँ पर आप देखिए विजय आर किर्लोस्कर करने ऑफ मार्केट फोर पॉइंट थ्री फोर वन परसेंट की यहाँ पर दो हजार बाईस में हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई थी तो ये हिस्सेदारी अच्छा खासा बढ़ा रहे इस चीज को भी यहाँ पर देखना अब बात करते हैं फंडामेंटल की तो देखिए फंडामेंटल इतने एक्साइटेड नजर नहीं आते बट कुछ फैक्टर है जो पॉजिटिव है ठीक है जिसके बेस पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है और अपने आप को अगर कंपनी प्रेजेंट करती है अगले क्वार्टर में तो शेयर भी निकलते हुए देर नहीं लगेगा क्योंकि शेयर उसी तरीके का कुछ पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड बट उससे पहले रिक्वेस्ट है आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब बेलाइकन को हीट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा सीखना है तो वीडियोज़ है साथ में इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके सकते हो और साथ में काम करना है तो भी आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके साथ में काम कर सकते हैं सबसे पहली बात दस का ब्रेकआउट लेवल को तोड़ा है ठीक है ना 2010 का लेवल तोड़ा है ठीक है उसके बाद ये पूरा का पूरा मई से लेके अभी तक पूरा कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है पहले हमने यहाँ पर शेयर बताया था उस टाइम आप देखोगे तो शेयर अच्छा खासा डबल भी होता हुआ नजर आया एक बाद कंसोलिडेशन फेज में लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है अब क्या तो देखिये यहाँ पर नीचे की अगर मैं बात करू ठीक है ना मुझे नजर आता है कि 106 तक शायद ये आ सकता है 106 से 103 तक ठीक है ये इस रेंज के बाद जिस दिन भी ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता ये इस पर सबसे पहले 140 के भाव से पहले ये रुकने वाला है तो लगभग लगभग सीधे बात करें तो आपके तीस पैंतीस परसेंट पर ही बनते हुए नजर आते हैं और एक लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है शेयर में ठीक है ना यहाँ पर जो एक्मुलेशन होना था वो एकोमुलेशन हो चुका है और धीरे धीरे बल्कि वो एकोमलेन हो भी रहा है और जब इस तरीके के एकोमुलेशन होते हैं ना तो चीजें भागती हुई नजर आती है इसी शेयर को मैं यहाँ पर बी की साइड पर ले जाता हूँ ठीक है एन एस सी यहाँ पर देख लिया बी एस बीएससी पे की पे देखते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये शेयर है ठीक है अभी यहाँ पर 110 पे चल रहा है ठीक है ब्रेकआउट के आसपास ही ये यहाँ पर है जहां पर ब्रेकआउट हुआ था उसी के आसपास है बट यहाँ पर इस शेयर में अभी भी जान है और कितनी जान है कि सबसे पहले तो ए वन फोर्टी का लेवल निकाला तो ये सीधे वन की शेयर तीन सौ इक्यानवे और चार सौ रुपए तक भी चला गया तो यहाँ पर आप सरप्राइज मत हुईगा ठीक है ढाई सौ परसेंट के रिटर्न यहाँ पर साफ दिखाई देते हैं डेढ़ सौ परसेंट एक सौ पांच एक सौ परसेंट के ऑलरेडी मिल चुके हैं रिटर्न ठीक है तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने रिस्क को यहाँ पर देखिएगा ठीक है ना और रिस्क की भी बात करें अगर कोई बायर एयर है भी और अगर बाय करना भी चाहता है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगता हुआ नज़र आएगा अगर इसके नीचे गया तो फिर चीज़ें और बेकार होगी बट स्टिल मुझे लगता है इतनी नीचे जाएगी नहीं चीज़ें ठीक है यहाँ पर एक सौ के आसपास से चीज़ें मुड़ती हुई नज़र आएगी और ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आएगी तो सौ रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस ठीक है दस दस परसेंट के आसपास की रिस्क और चीज़ें भागी तो ये रिटर्न भी आपके ही है तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा चीजों को सीखने की कोशिश करें सीखने के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कोर्स भी है हमारे यहाँ पर वीडियोज भी है जाके देखिए आपको समझ में आएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस